ख्याल के मुताबिक जे पिता जी बाहर आके जेल तो बाहर आके उन्होंने सत्संग करने की आग्ञा मिलती है तो मेरे हिसाब से 1 करोड़ बंदा नाल नवा जुड़ जू जी। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विशाल बजाज। चर्चा कर रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में, रियल फैक्ट जान रहे हैं डेरा सच्चा सौदा के बारे में। डेरा की सच्चाई जानने के लिए हम सलावतपुरा डेरा आश्रम के बाहर खड़े हैं। वहाँ पर आने वाले लोगों से हम बातचीत करने आ रहे हैं कि डेरा में किस धर्म की शिक्षा दी जाती है, किस धर्म के यहाँ पर लोग आते हैं, क्या क्या अंदर प्रोग्राम होते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलभूषण है। कुलभूषण जी, आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही भारी तादाद में लोग एकत्रित हो रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, किसकी वजह से है? ये जी अपना अज के दिन जानते अज के महीने 29 अप्रैल में स्थापना दिवस होया और रूहानी जाम पलाया सी, उसकी खुशी में अज सलावतपुरे भंडारा है जी। जी गुरु जी यहाँ पर नहीं है, फिर भी ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह? इसके पीछे ये राज है जी, जो कि सानू गुरु ते भरोसा बहुत आ जी, असी उन्होंने परमात्मा रूप ही मानते हैं जी, जी। इस करके चाहे वह जेल च बैठे है चाहे बाहर देश बैठे है, असी उन्होंने हर वक्त हाजर नाजर ही मानते हैं जी, जी। इस करके भंडारे से रौनक लगे हुई ने, सारी सात संगत हाजर नाजर मन के आ रही है जी। जी जी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा डेरा सच्चा सौदा के बारे में, डेरा सच्चा सौदा के बारे में जानना चाहूँगा। डेरा के अंदर किस किस तरह के मानवता भलाई के काम किए जाते हैं? गुरुजी ने क्या क्या काम किए हैं देश के लिए, समाज के लिए? डेरा सच्चा सौदा के बिच जो भी मानवता के काम चलते हैं, वैसे तो वह गिनाए नहीं जाते जी, जी। क्योंकि साढ़े हिसाब न जो पिता जी के वचनानुसार 138 के करीब मानवता भलाव चलते जी। बाकी होर भी जी, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया उन्होंने हस्पताल पहुँचा जी, कोई विधवा भैन आनू घर बना के देना जी, कोई गर्भवती है उन्हों पोस्ट हार देना जी, मेडिकल वगैरह सर फ्री करवा जी, बाकी खून दान, शरीर दान, किडनी दान, जानी की सुनाई है जी, बहुत जानी गिनाए नहीं जाते जी, जी। इतना समाज भलाई का काम डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, गुरु जी ने भी करा है, फिर भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए? ये जी पहला भी चलता हूँ जो का भी संसार बनया, संत महात्मा आए, सारे ये इल्जाम लगे गए, ये झूठे इल्जाम होंगे जी। जिमें हूँ कबीर जी आए, उन्होंने कि इल्जाम लग्या, फिर रविदास जी उन्होंने मंदिर च नहीं बन देंगे दे, क्योंकि वह नीची जात से, पर फिर भी वो कृपा नाल बड़े बड़े संत महात्मा भी उन्होंने चरणों में आए, संगत में आए। ये पहले दिनों चली आता जी, हूँ दशे पातशाह ले लो, किसी को फांसी चढ़ाता, किसी तत्तियां तवियां ते बिठाता, किसी को चक्की च बेलन, गुरु नानक देव जी ला लो उन्होंने लोग रोड़े मारते चक्किया च, ये पहले दिनों ही चली जाते सच दे झूठ की लड़ाई। बेअदबी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेअदबी के साथ भी डेरा का सा नाम लिंक किया जा रहा है, हाल ही में सुनने में भी आ रहा है कि गुरु जी का भी नाम उनके साथ लिंक किया जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बेअदबी तो तुम एक धर्म की ला लो, सिख धर्म की बेअदबी आप कहने भी बेअदबी करती, पर डेरा सच्चा सौदा सारे धर्मों के सत्कार करता जी। मैं हिंदू हाँ, मेरा सारे धर्मों नाल लिंक आ, सारे धर्म साढ़े हिंदू के बीच कोई बेअदबी नहीं हुई, किसी की इट तक नहीं खड़काई जी, ये ना तो आप इस बारे सोच भी नहीं सकते जी, बेअदबी बारे करनी तो बहुत दूर की गल है। ये झूठे आरोप लोग मड़ी जाते जो कि एंटी है, असी सिख धर्म में मैं खुद हिंदू हाँ भी इंटा मानता भी साढ़े हिंदू धर्म को घट सिख धर्म को वध मानते जी, इस करके सारा झूठ है जी। तो कौन लोग हैं जो समाज का भला नहीं चाहते, जो समाज में इतना समाज भलाई का काम डेरा सच्चा सौदा कर रहा है, बाबा जी ने भी करा है, तो ऐसे कौन लोग हैं जो नहीं चाहते समाज का भला हो, समाज में नशा फैले, कुरीतियाँ फैले? हालांकि आपने बताया कि समाज से उन्होंने कुरीतियाँ ख़त्म करी, नशा ख़त्म करा, तो इन सब के पीछे क्या वजह हो सकती है कि डेरा को ही पीछे की तरफ किया जा रहा है? ए जी, जो भी लोग ड्रग माफिया हो गए, जां कोई भी लोग जो कि पैसे नूं प्यार करदे आ, और रूहानियत बारे कुछ नहीं जानते, परमात्मा बारे कुछ नहीं जानते, जिवें हुण ठेके दे खुल्ले दे आ, शराबां हुण देखो 5 करोड़ तो वध संगत हो गई जी, उन्हां नशे बंद हो गए, हुण अफीम भुक्की खाण वाले सीगे, असीं आप भी खुद खाते सी, वह बंद हो गया जी। इस करके जिहड़े लोग ड्रग माफिया
या जिन्ना धंधी यह जहाँ भी दो नंबर का काम करो तो अपन थालियाँ रोटियां सेको उन्होंने पैसे तक मतलब है उन्होंने धर्म तक कोई मतलब नहीं वो कुछ भी कर सकते ऐसे। आज समाज को बाबा जी की कितनी ज़्यादा जरूरत है? अज समाज में बहुत ज़्यादा जरूरत है जी, क्योंकि घर घर नशा होया पाया जी। असी खुद भी साढ़े बच्चे भी इन्ना नशा करते सी कह सुन तो परे जी, दे नहीं सकते भी इन्ना नशा तो छुड़ाया। तो पिता जी दुनिया बारे इन्ना सोचते कि कह सुन तो परे जी, वो हर एक बुराई में छुड़ाते जी, हर एक नशे में छुड़ाते जी। इस करके भी संगत को या अपने लोगों को भी बहुत विश्वास है जी, जेडे डेरे नाल नहीं जुड़े बिच बिच वो भी बहुत यानी सत्कार कर दिया। मेरे ख्याल के मुताबिक जे पिता जी बाहर आके जेल तो बाहर आके उन्होंने सत्संग करने की आग्ञा मिलती है तो मेरे हिसाब नाल 1 करोड़ बंदा नाल नवा जुड़ जू जी। जी जी जे असं है अगे है जी, एक दिन 1 करोड़ बंदा उन्होंने नाल जुड़ जूगा जी। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील भी देखो कोई भी ये गलत काम नहीं होंदा भी लोगों का सुधार होंदा। हुण लोग नशा की बुराई में जाई जाते हैं नरकों वाले जाई जाते हैं भी असी तो यही कहने भी कोई भी सरकार आँदी है वह पिता जी नूं खुली इजाजत देवे परमिट देवे भी तुसी सत्संग कित भी कर सकते हो कित भी आ जा सकते। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे हमारे साथ डेरा सच्चा सौदा में आने वाले युवक जो कि बता रहे हैं कि किस तरह सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने 6 करोड़ से ऊपर लोगों का नशा छुड़वाया। जहां आज हम देखते हैं माँ बाप अपने बच्चों का नशा नहीं छुड़वा पाते, उनका बेटे यंग एज में हम देख रहे हैं कि बेटा मर रहा है बेटी मर रही है नशा करने की वजह से मर रहे हैं, तो उसी के तहत एक गुरु ने सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी ने 6 करोड़ से ऊपर लोगों का नशा छुड़वाया, समाज से कुरीतियाँ ख़त्म करी, सभी धर्मों का पाठ डेरा सच्चा सौदा की छत के नीचे बैठकर पढ़ाया और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए ताकि समाज का भला हो सके। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.